हेलो फ्रेंड्स, फारस देश भी हिंदुस्तान और चीन के समान था और कई नरेश उसके अधीन थे। वहां का राजा महाप्रतापी और बड़ा तेजस्वी था और न्यायप्रिय होने के कारण प्रजा को प्रिय था। उस बादशाह के दो बेटे थे जिनमें बड़े लड़के का नाम शहरयार और छोटे लड़के का नाम शाहजमा था। दोनों राजकुमार गुणवान, वीर धीर और शीलवान थे। जब बादशाह का देहांत हुआ तो शहजादा शहरयार गद्दी पर बैठा और उसने अपने छोटे भाई को, जो उसे बहुत मानता था, तातार देश का राज्य, सेना और खजाना दिया। शाहजमा अपने बड़े भाई की आज्ञा में तत्पर हुआ और देश के प्रबंध के लिए समरकंद को, जो संसार के सभी शहरों से उत्तम और बड़ा था, अपनी राजधानी बनाकर आराम से रहने लगा। जब उन दोनों को अलग हुए 10 वर्ष हो गए तो बड़े ने चाहा कि किसी को भेजकर उसे अपने पास बुलाए। उसने अपने मंत्री को उसे बुलाने की आज्ञा दी और मंत्री यह आज्ञा पाकर बड़ी धूमधाम से विदा हुआ। जब वह समरकंद के शहर के समीप पहुंचा तो शाहजमा यह समाचार सुनकर उसकी अगवानी को सेना लेकर अपनी राजधानी से रवाना हुआ और शहर के बाहर पहुंचकर मंत्री से मिला। वह उसे देखकर प्रसन्न हुआ। शाहजमा अपने भाई शहरयार का कुशल क्षेम पूछने लगा। मंत्री ने शाहजमा को दंडवत कर उसके भाई का हाल कहा। वह मंत्री बादशाह शहरयार का परम आज्ञापालक था और उससे प्रेम करता था। शाहजमा ने उससे कहा कि भाई, मेरे अग्रज ने तुम्हें मुझे लेने को भेजा। इस बात से मुझको अत्यंत हर्ष हुआ। उनकी आज्ञा मेरे शिरोधार्य है। अगर भगवान ने चाहा तो 10 दिन में यात्रा की तैयारी करके और शासन में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हारे और तुम्हारी सेना के लिए खाने पीने का प्रबंध सब यही हो जाएगा। अतएव तुम इसी स्थान पर ठहरो। अतएव उसी स्थान पर खाने पीने आदि की व्यवस्था कर दी गई और वे वहां रहे। इस अवसर पर बादशाह ने यात्रा की तैयारियां की और अपनी जगह अपने विश्वास पात्र मंत्री को नियुक्त किया। एक दिन साय में अपनी बेगम से, जो उसे अति प्रिय थी, विदा ली और अपने सेवकों और मुसाहिबों को लेकर समरकंद से चला और अपने खेमे में पहुंचकर मंत्री के साथ बातचीत करने लगा। आधी रात होने पर उसकी इच्छा हुई कि एक बार बेगम से फिर मिलाओ। वह सबसे छुपकर अकेला ही महल में पहुंचा। बेगम को उसके आने का संदेह तक न था। वह अपने एक तुच्छ और कुरूप सेवक के साथ सो रही थी। शाहजमा सोचकर आया था कि बेगम उसे देखकर अति प्रसन्न होगी। उसे दूसरे मर्द के साथ सोते देखकर एक क्षण के लिए उसे काट मार गया। कुछ संभलने पर सोचने लगा कि कहीं मुझे दृष्टि भ्रम तो नहीं हो गया। लेकिन भली भांति देखने पर भी जब वही बात पाई तो सोचने लगा, यह कैसा अनर्थ है कि मैं अभी समरकंद नगर की रक्षा भित्ति से बाहर भी नहीं निकला और ऐसा कर्म होने लगा। वो क्रोताग्नि में जलने लगा और उसने तलवार निकालकर ऐसे हाथ मारे कि दोनों के सिर कटकर पलंग के नीचे आ गए। इसके बाद दोनों शवों को पिछवाड़े की खिड़की से नीचे गड्ढे में फेंक कर वह अपने खेमे में वापस आ गया। उसने किसी से रात की बात न बताई। दूसरे दिन प्रातः ही सेना चल पड़ी। उसके साथ के और सब लोग तो हंसी खुशी रास्ता काट रहे थे, किंतु शाहजमा अपनी बेगम के पाप कर्म को याद कर के दुखी रहता और दिनों दिन उसका मुंह पीला पड़ता जाता था। उसकी सारी यात्रा इसी कष्ट में बीती। जब वह हिंदुस्तान की राजधानी के समीप पहुंचा और शहरयार ने यह सुना तो वह अपने सारे दरबारियों को लेकर शाहजमा की अभ्यर्थना के लिए आया। जब दोनों एक दूसरे के पास पहुंचे तो अपने अपने घोड़े से उतरकर गले मिले और कुछ देर तक एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछकर बड़े समारोह पूर्वक रवाना हुए। शहरयार ने शाहजमा को उस महल में ठहराया जो उसके लिए पहले से सजाया गया था और जहां से उद्यान दिखाई देता था। वह महल बड़ा और राजाओं के स्वागत योग्य था। फिर शहरयार ने अपने भाई से स्नान करने को कहा। शाहजमा ने स्नान कर के नए कपड़े पहने और दोनों भाई महल के मंच पर बैठकर देर तक वार्तालाप करते रहे। सारे दरबारी दोनों बादशाहों के सामने अपने अपने उपयुक्त स्थान पर खड़े रहे। भोजनोपरांत भी दोनों बादशाह देर तक बातें करते रहे। जब रात बहुत बीत गई तो शहरयार अपने भाई को आतिथ्य गृह में छोड़कर अपने महल को चला गया। शाहजमा फिर शोकाकुल होकर अपने पलंग पर आंसू बहाता हुआ लौटता रहा। भाई के सामने वह अपना दुख छुपाए रहा।
लेकिन अकेला होते ही उस पर वही दुख सवार हो गया और उसकी पीड़ा ऐसी बढ़ गई जैसे उसकी जान लेकर ही छोड़ेगी। वह एक क्षण के लिए भी अपनी बेगम का दुष्कर्म भुला नहीं पाता था। वह अक्सर हाय हाय कर उठता और हमेशा ठंडी सांसें भरा करता। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। इसी दुख और चिंता में उसका शरीर धीरे धीरे घुलने लगा। शहरयार ने उसकी यह दशा देखी तो विचार किया कि मैं शाहजहां से इतना प्रेम करता हूँ और उसकी सुख सुविधा का इतना ख्याल रखता हूँ, फिर भी सदैव ही इसे शोक सागर में निमग्न देखता हूँ। मालूम नहीं इसे अपने राज्य की चिंता खाई जाती है या अपनी बेगम का बिछोह सताता है। मैंने इसे यहाँ बुलाकर बेकार ही इसे शोक संताप में डाल दिया। अब उचित होगा कि इसे समझा बुझाकर और उत्तमोत्तम भेंट वस्तुएं देकर समरकंद वापस भेज दूं, ताकि इसका दुख दूर हो सके। यह सोचकर उसने हिंदुस्तान देश की बहुमूल्य वस्तुएं थालों में लगाकर शाहजहां के पास भेजी और उसका जी बहलाने के लिए तरह तरह के खेल तमाशे करवाए। लेकिन शाहजहां की उदासी कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती ही गई। फिर शहरयार ने अपने दरबारियों से कहा कि सुना है यहाँ से 2 दिनों की राह के बाद एक घना जंगल है और वहाँ अच्छा शिकार मिलता है, इसीलिए मैं वहाँ शिकार खेलने जाना चाहता हूँ। तुम लोग भी तैयार होकर मेरे साथ चलो और शाहजहां से भी चलने को कहो, क्योंकि शिकार में उसका जी लगेगा और उसका चित्त प्रसन्न होगा। शाहजहां ने निवेदन किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण मुझे शिकार पर जाने से माफ करे। शहरयार ने कहा, अच्छी बात है, अगर तुम्हारा यही रहने को जी चाहता है तो रहो, लेकिन मैं तैयारी कर चुका हूँ, मेरे अपने भृत्यों के साथ शिकार के लिए जाता हूँ। शहरयार के जाने के बाद शाहजहां ने अपने निवास स्थान के द्वार अंदर से बंद कर दिए और एक खिड़की पर जा बैठा। वहां से शाही महल का उद्यान दिखाई देता था। शाहजहां सुवासित पुष्पों और पक्षियों के कलरव से अपना जी बहलाने लगा, लेकिन मकान और बाग की शोभा से जी बहलाने पर भी उसे अपनी पत्नी के दुराचार की कचोट बनी रहती। जब संध्या हुई तो शाहजहां ने देखा कि राजमहल का एक चोर दरवाजा खुला और उसमें से शहरयार की बेगम 20 अन्य स्त्रियों के साथ निकली। वे सब उत्तम वस्त्रों और अलंकारों से शोभित थी और इस विश्वास के साथ कि सब लोग शिकार पर चले गए हैं बाग में आ गई। शाहजहां खिड़की में छुपकर बैठ गया और देखने लगा कि वे क्या करती है। दासियों ने उन लबादों को उतार डाला जो पहनकर वो महल से निकली थी। अब उनकी सूरत स्पष्ट दिखाई देने लगी। शाहजहां को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जिन 20 को उसने स्त्री समझा था उनमें से 10 हफ्शी मर्द थे। उन 10 ने अपनी अपनी पसंद की दासी का हाथ पकड़ लिया, सिर्फ बेगम बगैर मर्द की रह गई। फिर बेगम ने आवाज दी, मसूद, मसूद। इस पर एक हष्ट पुष्ट हफ्शी युवक जो उसकी आज्ञा की प्रतिज्ञा में था एक वृक्ष से उतरकर बेगम की ओर दौड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। उन 11 हफ्शियों ने 10 दासियों और बेगम के साथ क्या किया उसका वर्णन मैं लज्जावश नहीं कर सकूंगा। इसी भांति वे आधी रात तक बाग में विहार करते रहे। फिर बाग के हौज में नहाकर बेगम और उसके साथ आए 20 मर्द औरतों ने अपने कपड़े पहने और जिस चोर दरवाजे से आए थे उसी से महल में चले गए और मसूद भी बाग की दीवार फांदकर बाहर चला गया। यह कांड देखकर शाहजहां को घोर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि मैं तो दुखी ही हूँ, मेरा बड़ा भाई मुझसे भी अधिक दुखी है। यद्यपि वह अत्यंत शक्तिशाली और वैभवशाली है तथापि इस दुष्कर्म को रोकने में असमर्थ है, फिर मैं इतना शोक क्यों करूँ। जब मुझे मालूम हो गया कि यह नीच कर्म संसार में अक्सर ही होता है तो मैं बेकार ही स्वयं को शोक के सागर में डुबोए दे रहा हूँ। यह सोचकर उसने सारी चिंता छोड़ दी और साधारण रूप से रहने लगा। पहले उसकी भूख मिट गई थी, अब वह जाग गई और वह नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन मंगाकर खाने लगा और संगीत नृत्य का आनंद लेने लगा। जब शहरयार शिकार से लौटा तो शाहजहां ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उसका स्वागत किया। शहरयार ने उसे शिकार किए हुए बहुत से जानवर दिखाए और कहा कि बड़े खेत की बात है कि तुम शिकार पर नहीं गए, वहाँ बड़े आनंद की जगह है। शाहजहां बादशाह की हर बात का हंसी खुशी उत्तर देता था। शहरयार ने सोचा था कि वापसी पर भी शाहजहां को दुख और शोक में डुबा पाएगा, लेकिन इसके विपरीत उसे प्रसन्न और संतुष्ट देखकर बोला, ए भाई, भगवान को बड़ा धन्यवाद है कि मैंने थोड़ी ही अवधि में तुम्हें प्रसन्न और व्यधि मुक्त देखा।
अब मैं तुम्हें सौगंध देकर एक बात पूछता हूँ, तुम वह बात जरूर बताना। शाहजहां ने कहा, जो बात भी आप पूछेंगे मैं अवश्य बताऊंगा। शहरयार ने कहा, जब तुम अपनी राजधानी से यहाँ आए थे तो मैंने तुम्हें शोक सागर में डूबा देखा था। मैंने तुम्हारा चित्त प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय किए, भांति भांति के खेल तमाशे करवाए, किंतु तुम्हारी दशा जैसी की तैसी रही। मैंने बहुत सोचा कि इस दुख का कारण क्या हो सकता है, किंतु इसके सिवा कोई कारण समझ में नहीं आया कि तुम्हें अपनी बेगम के विछोह का दुख है और राज्य प्रबंध की चिंता है। किंतु अब क्या बात हुई जिससे तुम्हारा दुख और चिंता दूर हो गई? शाहजहां यह सुनकर मौन रहा, किंतु जब शहरयार ने बार बार यही प्रश्न पूछा तो वो बोला, आप मेरे मालिक है, मुझसे बड़े है, मैं इस प्रश्न का उत्तर न दूंगा क्योंकि इसमें बड़ी निर्लज्जता की बात है। शहरयार ने कहा कि जब तक तुम मुझे यह न बताओगे तब तक मुझे चैन न आएगा। शाहजहां ने विवश होकर अपनी बेगम के कुकर्म का सविस्तर वर्णन किया और कहा कि मैं इसी कारण दुखी रहता था। शहरयार ने कहा, भैया यह तो तुमने बड़े आश्चर्य की असंभव सी बात बताई। यह तो तुमने बड़ा अच्छा किया कि ऐसी व्यभिचारिणी को उसके प्रेमी सहित मार डाला। इस मामले में कोई तुम्हें अन्यायी नहीं कह सकता। मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे एक स्त्री को मारने से संतोष न होता, हजार स्त्रियों को मार डालता। बताओ कि मेरे बाहर जाने पर यह शोक किस प्रकार दूर हुआ? शाहजहां ने कहा, मुझे यह बात कहते डर लगता है कि ऐसा न हो कि यह सुनकर आपको मुझसे भी अधिक दुख हो। शहरयार ने कहा कि भाई, तुमने यह कहकर मेरी उत्कंठा और बढ़ा दी है, मुझे अब इसे सुने बगैर चैन न आएगा, इसीलिए यह बात जरूर बताओ। विवश होकर शाहजहां ने मसूद, दसो दासियों और बेगम का सारा हाल बताया और बोला, यह घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है और समझ लिया है कि सारी स्त्रियों के स्वभाव में दुष्टता और पाप होता है और आदमी को चाहिए कि उनका भरोसा न करे। मुझे यह सारा कांड देखकर अपना दुख भूल गया है और इसीलिए मैं निरोग और प्रसन्नचित दिखाई देता हूँ। यह हाल सुनकर भी शहरयार को अपने भाई के कथन पर विश्वास न हुआ। वह क्रुद्ध स्वर में बोला, क्या हमारे देश की सारी बेगमें व्यभिचारिणी हैं? मुझे तुम्हारे कहने का विश्वास नहीं होगा जब तक मैं खुद अपनी आंखों से यह न देख लूं। संभव है तुम्हें भ्रम हुआ हो, शाहजहां ने कहा। भाई साहब, आप खुद देखना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए कि दोबारा शिकार के लिए आज्ञा दीजिए। हम आप दोनों फौज के साथ शहर से कूच करके बाहर चले, दिन भर अपने खेमों में रहे और रात को चुपचाप इसी मकान में आ बैठे। फिर निश्चय ही आप वह सारा व्यापार अपनी आंखों देख लेंगे जो मैंने आपको बताया है। शहरयार ने यह बात स्वीकार करके दरबारियों को आज्ञा दी कि कल मैं फिर शिकार को जाऊंगा। अंततः दूसरे दिन प्रातःकाल ही दोनों भाई शिकार को चले और शहर के बाहर जाकर अपने खेमों में ठहरे। जब रात हुई तो शहरयार ने मंत्री को बुलाकर आज्ञा दी कि मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, तुम फौज के किसी आदमी को यहाँ से जाने न देना। तत्पश्चात दोनों भाई घोड़ों पर सवार होकर गुप्त रूप से शहर में आए और सवेरा होने के पहले ही शाहजहां के महल की उसी खिड़की में आ बैठे जिसमें शाहजहां ने सारा कांड देखा था। सूर्योदय के पूर्व ही महल का चोर दरवाजा खुला और कुछ देर में बेगम अपने उन्हीं स्त्री वेशधारी हफ्सियों के साथ वहां से निकलकर बाग में आई और मसूद को पुकारा। ये सारा हाल जो न कहने के योग्य है न सुनने के, देखकर शहरयार अपने मन में कहने लगा कि हे भगवान, यह कैसा अनर्थ है कि मुझ जैसे महान नृपति की पत्नी ऐसी व्यभिचारिणी हो। फिर वह शाहजहां से बोला कि यह अच्छा रहेगा कि हम इस क्षणभंगुर संसार को, जिसमें एक क्षण आनंद का होता है और दूसरा दुख का, छोड़ दे और अपने देशों और सेनाओं का परित्याग करके अन्य देशों में शेष जीवन काटे और इस घृणित व्यापार के बारे में किसी से कुछ न कहे। शाहजहां को यह बात पसंद नहीं आई, किंतु अपने भाई की अत्यंत दुखी दशा देखकर उसने इनकार करना ठीक न समझा और बोला, भाई साहब, मैं आपका अनुचर हूँ और आपकी आज्ञा को पूर्ण रूप से मानूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब आप किसी व्यक्ति को अपने से अधिक इस दुर्भाग्य से पीड़ित देखे तो अपने देश को लौट आए। शहरयार ने कहा, मुझे तुम्हारी यह शर्त स्वीकार है, लेकिन मेरा विचार है कि संसार में किसी मनुष्य को हमारे जैसा दुख नहीं होगा। शाहजहां ने कहा, थोड़ी सी ही यात्रा करने पर आपको इस बात का पता अच्छी तरह से चल जाएगा। अतएव वे दोनों छुपकर एक सुनसान रास्ते से नगर के बाहर एक ओर चले।
दिन भर चलने के बाद रात को एक पेड़ के नीचे लेटकर सो रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल वे वहां से भी आगे चले और चलते चलते एक मनोरम वाटिका में पहुंचे जो एक नदी के तट पर बनी हुई थी। इस वाटिका में दूर दूर तक घने और बड़े बड़े वृक्ष थे। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठकर वे सुस्ताने लगे, बातचीत करने लगे। थोड़ी ही देर हुई थी कि एक भयानक शब्द सुनकर दोनों अत्यंत भयभीत हुए और कांपने लगे। कुछ देर में देखा कि नदी के जल में दरार हुई और उसमें से एक काला खंभा निकलने लगा। वह इतना ऊंचा हो गया कि उसका ऊपरी भाग आकाश के बादलों में लुप्त हो गया और यह कांड देखकर दोनों भाई और भी भयभीत हुए और एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर उसकी डालियों और पत्तों में छुपकर बैठ गए। उन्होंने देखा कि काला खंभा नदी के तट की ओर बढ़ने लगा और तट पर आकर एक महाभयानक दैत्य के रूप में परिवर्तित हो गया। अब वे दोनों और भी घबराए और एक और ऊंची डाल पर जा बैठे। दैत्य नदी तट पर आया तो उन्होंने देखा कि उसके सिर पर एक शीशे का बड़ा और मजबूत संदूक है जिसमें पीतल के चार ताले लगे हैं। दैत्य ने नदी तट पर आकर सिर से संदूक उतारा और उसी वृक्ष के नीचे रख दिया जहां दोनों भाई छुपे थे। फिर उसने कमर से लटकती हुई चार चाबियों से संदूक के चारों ताले एक एक करके खोले। संदूक खोला तो उसमें से एक अति सुंदर स्त्री निकली जो उत्तमोत्तम वस्त्राभूषणों से अलंकृत थी। दैत्य ने स्त्री को प्रेम दृष्टि से देखा और कहा, प्रिय, तू सुंदरता में अनुपम है। बहुत दिन हो गए जब मैं तुझे तेरे विवाह की रात को उड़ा लाया था। इस सारे काल में तू बड़ी निष्कलंक और मेरे प्रति वफादार रही है। मुझे इस समय बड़ी नींद आ रही है, इसीलिए तेरे निकट सोना चाहता हूँ। ये कहकर वह महाभयानक आकृति वाला दैत्य उस स्त्री की जंघा पर सिर रखकर सो रहा। उसका शरीर इतना विशाल था कि उसके पाव नदी के जल को छू रहे थे। सोते समय उसकी सांस का स्वर ऐसा हो रहा था जैसे बादल गरज रहे हो। सारा वातावरण उस ध्वनि से कंपायमान हो रहा था। एक बार संयोग से जब स्त्री ने ऊपर की ओर देखा तो उसे पत्तियों में छुपे हुए दोनों भाई दिखाई दिए। उसने दोनों को नीचे उतरने का संकेत दिया। उसके उद्देश्य को समझकर दोनों का भय और बढ़ा। दोनों ने इशारे ही से उससे विनती की कि हमें पेड़ ही पर छुपा रहने दो। स्त्री ने धीरे से दैत्य का सिर अपनी गोद से उतारकर पृथ्वी पर रख दिया और उठकर उनको धैर्य देते हुए बोली कि कोई भय की बात नहीं है, तुम नीचे उतर आओ और मेरे समीप बैठो। उसने यह भी धमकी दी कि अगर न आओगे तो मैं दैत्य को जगा दूंगी और वह तुम दोनों को समाप्त कर देगा। यह सुनकर वे बहुत डरे और चुपचाप नीचे उतर आए। वह स्त्री मुस्कुराती हुई दोनों का हाथ पकड़कर एक वृक्ष के नीचे ले गई और उनसे अपने साथ करने को कहा। पहले तो उन दोनों ने इनकार किया, किंतु फिर उसकी धमकी से डरकर वह जैसा चाहती थी उसके साथ कर दिया। इसके बाद स्त्री ने उनसे उनकी एक एक अंगूठी मांग ली। फिर उसने एक छोटी सी संदूकची निकाली और उनसे पूछा कि जानते हो इसमें क्या है और किस लिए है। उन्होंने कहा, हमें नहीं मालूम, तुम बताओ इसमें क्या है। उस सुंदरी ने कहा, इसमें उन लोगों की निशानियां हैं जो तुम्हारी तरह मुझसे संबंध कर चुके हैं। ये 98 अंगूठियां थी और तुम्हारी 2 मिलने से 100 हो गई है। इस दैत्य की इतनी कड़ी निगरानी के बाद भी मैंने 100 बार ऐसी मनमानी की है। यह दुराचारी दैत्य मुझ पर इतना आसक्त है कि क्षण भर के लिए भी मुझे अपने से अलग नहीं करता और बड़ी देखभाल के साथ मुझे इस शीशे की संदूक में छुपाकर समुद्र के तलहटी में रखता है। लेकिन उसकी सारी चालाकी और रक्षा प्रबंध पर भी मैं जो चाहती हूँ वो करती हूँ और इस बेचारे का सारा प्रबंध बेकार हो जाता है। अब मेरे हाल से तुम समझ लो कि स्त्री जब कामासक्त होती है तो कोई भी उसे दुष्कर्म से रोक नहीं सकता। इसके पश्चात वह उनकी अंगूठियां लेकर अपनी जगह आई। उसने दैत्य का सिर फिर अपनी गोद में रख लिया और फिर इन दोनों को संकेत किया कि चले जाओ। दोनों वहां से चले दिए और जब बहुत दूर निकल गए तो शाहजहां ने अपने बड़े भाई शहरयार से कहा, देखिए, इतनी सुरक्षा और कड़े प्रबंध पर भी यह स्त्री अपने मन की अभिलाषा पूरी कर रही है। यह भी देखिए कि दैत्य को उस पर कितना विश्वास है और वह उसकी निष्कलंकता की कैसी प्रशंसा कर रहा था। अब आप ही न्यायपूर्वक बताएं कि इस बेचारे पर हम लोगों से अधिक दुर्भाग्य है या नहीं। हम जो बात ढूंढने निकले थे वो हमें मिल गई। अब हमें चाहिए कि अपने अपने देश को चले और किसी स्त्री से विवाह न करे, क्योंकि शायद ही कोई स्त्री निष्पाप हो।
चुनांचे शहरियार ने अपने छोटे भाई के कहने के अनुसार ही काम किया और वहां से दोनों शहरियार की राजधानी को चले। 3 रातों बाद वे अपनी सेनाओं में पहुंचे। शहरियार ने आगे शिकार पर न जाना चाहा और राजधानी को वापस आ गया। महल में जाकर उसने मंत्री को आज्ञा दी कि वह बेगम को ले जाकर मृत्युदंड दे। मंत्री ने बादशाह की आज्ञा अनुसार ऐसा ही किया। फिर शहरियार ने 200 व्यभिचारिणी दासियों को अपने हाथ से मार डाला। इसके बाद शहरियार ने सोचा कि कोई ऐसा उपाय करूं कि विवाह के बाद मेरी बेगम कुकर्म का अवसर ही न पा सके। अतएव उसने निश्चय किया कि रात को विवाह करूं और सवेरे ही बेगम को मरवा दूं। तत्पश्चात उसने अपने भाई शाहजमा को विदा किया। वह शहरियार की दी हुई अमूल्य भेंटों को लेकर अपनी सेना के साथ समरकंद चला गया। शाहजमा के जाने के बाद अपने प्रधानमंत्री को आज्ञा दी कि वह विवाह हेतु किसी सामंत की बेटी को ले आए। प्रधानमंत्री ने एक अमीर की बेटी ला खड़ी की। शहरियार ने उससे विवाह किया और रात भर उसके साथ बिताकर सुबह मंत्री को आज्ञा दी कि इसे ले जाकर मार डालो और रात के लिए फिर किसी सरदार की सुंदरी बेटी मेरे लिए विवाह के लिए ले आना। मंत्री ने उस बेगम को मार डाला और शाम को एक और अमीर की बेटी ले आया। दूसरे दिन उसे भी ले जाकर मार डाला। इसी प्रकार शहरियार ने सैकड़ों अमीरों सरदारों की बेटियों से विवाह किया और दूसरी सुबह उन्हें मरवा डाला। अब सामान्य नागरिकों की बारी आई। साथ ही इस जघन्य अन्याय की बात सब जगह फैल गई। सारे नगर में शोक, संताप और रोदन की आवाजें उठने लगी। कहीं पिता अपनी पुत्री को मृत्यु पर 8-8 आंसू रोता था, कहीं लड़की की माता पछाड़े खाती थी। जो कन्याएं अभी तक बच रही थी उनके माता पिता और सगे संबंधी अत्यंत दुखी रहते थे। कई लोग अपनी बेटियों को लेकर देश छोड़ गए और अन्य देशों में जा बसे। वहां के मंत्री की 2 कुंवारी बेटियां थी, बड़ी का नाम शहरजाद और छोटी का नाम दुनियाजाद था। शहरजाद अपनी बहन और सहेलियों से अधिक तीक्ष्ण बुद्धि थी। वह जो बात भी सुनती या किसी पुस्तक में देखती उसे कभी नहीं भूलती थी। वार्तालाप के गुण में भी प्रवीण थी। उससे बहुत प्राचीन मनीषियों की आख्यायिकाएं और कविताएं जुबानी याद थी और स्वयं गद्य पद्य रचना में विपुण थी। इन सारे गुणों के अतिरिक्त उसमें अद्वितीय सौंदर्य भी था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी। मंत्री ने कहा, यदि तेरी बात मानने योग्य होगी तो मैं अवश्य मानूंगा। शहरजाद ने कहा कि मेरा निश्चय है कि मैं बादशाह को इस अन्याय से रोकूं जो वह कर रहा है और जो कन्याएं अभी बची है उनके माता पिता को चिंता मुक्त कर दूं। मंत्री ने कहा, बेटी तुम यह हत्याकांड किस प्रकार रोक सकती हो? तुम्हारे पास कौन सा उपाय ऐसा हो सकता है जिससे यह अन्याय बंद हो? शहरजाद बोली, यह आपके हाथ में है। मैं आपको अपनी सौगंध देकर कहती हूँ कि मेरा विवाह बादशाह के साथ कर दीजिए। मंत्री यह सुनकर कांपने लगा और बोला, बेटी तू पागल हो गई है क्या जो ऐसी वाहियात बातें कर रही है? क्या तुझे बादशाह के प्रण का पता नहीं है? तू सोच समझकर बात किया कर। तू किस तरह बादशाह को इस अन्याय से रोक सकेगी? बेकार ही अपनी जान गवाएगी। शहरजाद ने कहा, मैं बादशाह के प्रण को भली भांति जानती हूँ, परंतु अपने इस विचार को किसी प्रकार न छोड़ूंगी। यदि मैं अन्य कन्याओं की भांति मारी गई तो इस असार संसार से मुक्ति पा जाऊंगी, और अगर मैंने बादशाह को इस अत्याचार से विमुख कर दिया तो अपने नगर निवासियों का बड़ा हित कर सकूंगी। मंत्री ने कहा, मैं किसी प्रकार तेरी यह इच्छा स्वीकार नहीं कर सकता। मैं तुझे जानते बुझते ऐसी विकट परिस्थिति में कैसे डाल सकता हूँ? अजीब सी बात है कि तू मुझसे कहती है कि मेरी मौत का सामान कर दो। कौन सा पिता ऐसा होगा जो अपनी प्यारी संतान के लिए ऐसा करने का सोच भी सकेगा? तुझे चाहे अपने प्राण प्यारे हो या न हो, लेकिन मुझसे यह नहीं हो सकता कि तेरे खून से हाथ रंगू। शहरजाद फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही और विवाह की प्रार्थी रही। मंत्री ने कहा, तू बेकार ही में मुझे गुस्सा दिला रही है। आखिर क्यों तू मरना चाहती है? क्यों अपने प्राणों से इतनी रुष्ट है? सुन ले, जो भी व्यक्ति किसी काम को बगैर सोच विचार के करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। मुझे भय है कि तेरी दशा उस गधे की तरह न हो जाए जो सुख से रहता है किंतु मूर्खता के कारण दुख में पड़ा। शहरजाद ने कहा, यह कहानी मुझे बताइए। मंत्री ने कहानी सुनाई। ये थी कहानी अलीफ लैला की शहरयार और शाहजमा की कहानी। अगर आपको अलीफ लैला की कहानियाँ पसंद है तो और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।